तो ये आप इधर से ऐसे हाँ और सेम टाइम में ये इधर आ जाएंगे आप उधर निकल जाओगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू रेशायनाज व्लॉग। और आज की सुबह बहुत जल्दी हो गई थी जस्ट बिकॉज आज हमें एक सेकेंड हाँ सो आज की सुबह बहुत जल्दी हो गई थी क्योंकि आज हमें आना था पासपोर्ट के काम से। सो फाइनली केशव का पासपोर्ट बन रहा है। केशव के पासपोर्ट बनवाने के लिए जो इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी, इतनी मेहनत करनी पड़ी। पहले इसका आधार में बहुत टाइम लगा क्योंकि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, फिर इसके बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ मिस्टेक थी। सो फाइनली अब बर्थ सर्टिफिकेट आधार कार्ड का करेक्शन करवाने के बाद आज का हमें अपॉइंटमेंट मिला था। एमपी से पूरी तरीके से यूपी में शिफ्ट हो जाऊंगी क्योंकि मेरी अभी तक आईडी एमपी की थी, आधार कार्ड वोटर आईडी मैंने यूपी का करवा लिया था, कानपुर का करवा लिया था, सिर्फ पासपोर्ट बचा था। और अब पासपोर्ट भी होपफुली कानपुर का हो जाएगा तो मैं पूरी तरीके से कानपुरिया हो जाऊंगी। जी यहाँ भी किसी भी आया है श्री कृष्ण को हमने बस उठाया, कपड़े चेंज किए और ले आए। नमस्कार भैया। भैया पासपोर्ट बनवाने गए थे, जैसे हालत बुरी हो गई, सुबह से लगे हुए थे लेकिन अपॉइंटमेंट हमारी फेल हो गई क्योंकि नए एड्रेस पे, अब जो तत्काल में हमने अप्लाई करा था तो उसके अंदर नए रूल्स आ गए हैं और उस रूल्स के अकॉर्डिंग कि आपके पास दो एड्रेस प्रूफ होने चाहिए अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है तो। अब हमारा पासपोर्ट तो एक्सपायर हो ही चुका था, अब हमने आधार पे एड्रेस सही करा लिया था नए घर का, और किसी आईडी में अभी कराया नहीं था तो इसलिए हमें भैया उन्होंने वापस भेज दिया। और ज़बरदस्ती की सख्ती है क्योंकि मैंने फॉर्म फिल कराया, दीपक भैया ने पूरी हेल्प करी थी तो कहीं भी मैंडेटरी लिखा ही नहीं है लेकिन वो ज़बरदस्ती के इशू बना रहे हैं सब कुछ है। 5 तारीख अपॉइंटमेंट मिली है, 4 तारीख की पुलकित की इंगेजमेंट है, दिल्ली से आएंगे उसके बाद ध्यान अगले दिन नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट है। अब बैंक के अंदर सारे एड्रेस वगैरह सही करा के पासबुक अपडेट करके अब दूसरी आईडी ऐसे लेके जाएंगे, फिर अप्लाई होगा, फिर देखो कितने दिन में आता है। तो ये सब है, सुबह से भैया 7 बजे का उठा हुआ था, मैं आज इसी काम में लगा हूँ, अब बच गया 1, अब आके घर पे बैठे। तो खैर भैया बहुत रूल्स चेंज हो गए हैं, बहुत सख्ती हो गई लेकिन अच्छा है, मतलब जितने भी ब्रोकर वगैरह थे सबका सिस्टम ख़त्म कर दिया है मोदी जी ने, योगी जी ने, कुछ भी नहीं है, सब जगह जाना पड़ रहा है। लाइसेंस के भी मैंने बात करी है तो एड्रेस चेंज करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, बिना जाए कोई काम ही नहीं है। अच्छा है भैया, इंडिया बदल रहा है, बढ़िया है, चलिए हर हर महादेव। सो गाइस हम आए हैं बच्चों की शॉपिंग करने, कहाँ कौन सा मार्केट है भाभी, मम्मी देंगे डिस्क्रिप्शन। ये कानपुर का है नवीन मार्केट, जो मैं 20 साल में शायद 4 टाइम्स आ रही हूँ, देखते हैं कुछ पसंद आ जाते हैं। मार्केट तो अच्छी है वैसे। हाँ अदरवाइज फिर दिल्ली से शॉपिंग करेंगे बच्चों की, जो छोटे छोटे घर के बच्चे हैं ना उनके कपड़े। हमारे बच्चों की शॉपिंग नहीं हुई, बाकी सबकी शॉपिंग हो गई, तो बच्चों की शॉपिंग करने हम लोग नवीन मार्केट आए, तो आपको दिखाते हैं कैसी है कानपुर की नवीन मार्केट। हाँ ये सही दिख रही है, और ये कितना सुंदर लग रहा है अभी देखो, शरारा सूट ले लो खाली। मुरमुरे खाएगा ये चिप्स है, तो इसको खिला के देखो। ये है छोटे छोटे समोसे 1 रुपीस नहीं 2 रुपीस का वन। अच्छा गरम गरम, और ये चलते फिरते ये स्नैक है, इनकी ये अंगीठी है जिसमें बनाते हैं। स्ट्रीट शॉपिंग का मजा यही है, चलते फिरते खाते जाओ। अच्छी मार्केट बना ली वैसे अब इन्होंने, बहुत अच्छी मार्केट है, मतलब मेरे को कानपुर से तो एक्सपेक्टेड नहीं था, सही मार्केट है। सो गाइस शॉपिंग वॉपिंग करके आ गए हैं और कोरियोग्राफर आ गए डांस सिखाने के लिए, और अरे हम तो ब्लैक हो गए हैं। ये मेरी तो हालत बहुत बुरी है, नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई है, तो मैं डांस नहीं सीखा, मैंने आपको मैसेज कर दिया था आप लोग सीखे, एक दिन में वैसे भी नहीं सीख सकते यार, कल दोबारा बुलाया होगा ना इसको।
आप चाहते मैं ब्लॉग बंद करके पहले आपको लड़ने की बात ही नहीं, मैं आज बीबी का डांस देखूंगा। बीबी कैसे करती, बीबी तो हमारी डांसर है वैसे। रेश ऐसे नहीं करो यार प्लीज, आज हम लोग नवीन मार्केट गए थे कानपुर के। हेलो हाय एवरीबॉडी, डांसर ये भाई की शादी में भी इन्होंने सिखाया था और मेरी शादी में भी इन्होंने सिखाया था। भाई की शादी में नहीं, मतलब गौरव की शादी में नहीं, आपकी शादी में इन्होंने सीखा था। ओके सही है। जो परफॉर्मेंस जिसके लिए हमको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। सही है, लेकिन गाने तो हमें सरप्राइज रखने हैं, तो बस भैया बाकी हम एंगेजमेंट में दिखाएंगे पुलकित को। ओके भाई आप नहीं करोगे डांस? आता ही नहीं हमें, क्या करें भाई, हमें आते ही नहीं। आप एक मिनट ला सकते हैं तो ये आप इधर से ऐसे हाँ और सेम टाइम में ये इधर आ जाएंगे, आप उधर निकल जाओ। हाँ मेरी बच्ची, ये ऐसी बीवी का प्यार मिलता रहे। ये हमारा नया माइक आया है इसलिए ये सब चल रहा है। टेस्टिंग। हेलो हेलो, 1 2 3 1 2 3। लेकिन दिल खुश हो गया भाई साहब, पैसे तो वैसे ही वसूल हो गए, पैसे बचा गया। सो इस व्लॉग का हम यही एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में। कल मिलना है क्या? मतलब 2-3 दिन बाद भी मिल सकते हैं। अरे भैया जैसे चल रहा है वैसे ही आप प्यार बनाए रखो। थैंक यू, लव यू।